मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो की शहरी हुकूमत का हाउसिंग बहरान कम करने के लिए अहम कदम। कनाडा ऑन्टेरियो हाउसिंग बेनिफिट के नाम से नया प्रोग्राम मुतारिफ, सैकड़ों लोगों को रिहाइश तक रसाई हासिल होगी। कनाडा के जंगलात में लगी आग मजीद फैल गई, 30,000 घरों को खाली करने का हुक्म। कैलोना शहर के करीब सफरी पाबंदियां आयद। येलो नाइफ शहर की तरफ जाने वाला रास्ता भी सैकड़ों मील तक आग से मुतासिर। कनाडा के वफाकी काबीना का हाउसिंग बहरान पर रिपोर्ट जारी करने वालों से बातचीत का फैसला। रिहायशी बहरान से निमटने के लिए मुशावरत की जाएगी। रिपोर्ट के तनाजर में हुकूमत किराए की जायदादों की दस्तियाबी को बढ़ा सकती है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समंदरी तूफान हैलरी ने तबाही मचा दी। जनूबी कैलिफोर्निया में बारिश के कम अज कम 9 रिकॉर्ड टूटे। अमरीका के सदर जो बाइडन का आग से तबाह होने वाले जजीरे माउवी का दौरा। जॉर्जिया में इंतखाबी नतीजे पलटने का मुकदमा, ट्रंप कल खुद को जेल हुक्काम के सुपुर्द करेंगे। इलेक्शन मदाखलत केस में ट्रंप की $2,00,000 में जमानत का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप को 3 मजीद मुकदमात का भी सामना है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada Ontario Housing Benefit ek aisa program hai jo kiraye ka zameena faraham karta hai jo clients ko market rate housing unit mein उनकी घरेलू आमदनी का 30% तक महदूद करता है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ का कहना है कि किराए के इजाफी प्रोग्राम के लिए एक बार का टॉप अप मज़ीद 1,350 लोगों को रिहाइश तक रसाई की इजाज़त देगा, जिससे शहर के मगरूब शेल्टर सिस्टम से कुछ दबाव ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खबरदार किया कि अभी भी विफाक की मदद की ज़रूरत है। कैनेडा ऑनटेरियो हाउसिंग बेनिफिट एक ऐसा प्रोग्राम है जो किराए का ज़मीमा फराहम करता है जो क्लाइंट्स को मार्केट रेट हाउसिंग यूनिट में उनकी घरेलू आमदनी का 30% तक महदूद करता है। शहर ने मई में सूबाई तौर पर जेर इंतज़ाम प्रोग्राम के लिए अपनी 2023 से 2024 की फंडिंग ख़त्म कर दी, बिल्कुल इसी तरह जैसे टोरंटो की सड़कों पर पनाह गुजीनों की रिहाइश का बहरान सामने आ रहा था। चाउ ने पीर को ऐलान किया कि शहर और सूबा मुश्तरका तौर पर इस प्रोग्राम के लिए $13.4 मिलियन के टॉपअप की माली इमदाद कर रहे हैं, जिससे पनाहगाहों में रहने वाले सैकड़ों लोगों को रिहाइश तक रसाई हासिल होगी। कम्युनिटी ग्रुप सब एक तवील मुद्दती हल के लिए वफाकी तआवुन की दरख्वास्त कर रहे हैं। हम वफाकी हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो पनाह के मतलाशियों और पनाह गुजीनों के दावेदारों की मदद के लिए हमारी कोशिशों में शामिल हो जाए। ओलिविया चाउ ने कहा कि वफाकी हुकाम जानते हैं कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत है और पनाह गुजीनों और रिहाइश पर वफाकी और म्यूनसिपल हुकाम के दरमियान बहुत सी बातचीत हुई है। कनाडा के जंगलात में इस वक्त 400 के करीब मकामात पर आग लगी हुई है, जिसके 22 सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में 30,000 के करीब घर खाली करने के अहकामात दिए गए हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग के 22 30,000 से ज़ायद घरों को खाली कराने के अहकामात दिए गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कनाडा के जंगलात में इस वक्त 400 के करीब मकामात पर आग लगी हुई है, जिसके 22 सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में 30,000 के करीब घर खाली करने के अहकाम दिए गए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि
शो साइट के इलाके में दो मुकदमात पर बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है, जिसके नतीजे में घरों और रिहायशी इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। आग के बड़े पैमाने पर फैलने की वजह से कैलोना शहर की तरफ सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि मगरबी कैलोना के इलाके में आग के बायस 36,000 के करीब घर मुतासर हुए हैं। हुकाम का कहना है कि कैलोना शहर के करीब सफरी पाबंदियां आयद करते हुए इस बात का ख्याल रखा गया है कि इलाके में काम करने वाले एमरजेंसी वर्कर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा तआवुन फराहम किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक येलो नाइफ शहर की तरफ जाने वाला रास्ता भी सैकड़ों मील तक आग से मुतासिर है। हुकाम का बताना है कि आग की वजह से कैनेडा के शुमाल मगरबी इलाके को खाली करने के लिए जुमे तक का वक्त दिया गया था, जिसके बाद लोगों को गाड़ियों और जहाज के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। कनाडा की लिबरल काबीना एक हालिया रिपोर्ट के मुसन्नफीन से बातचीत करेगी, जिसमें वफाकी हुकूमत को मजीद रेंटल यूनिट्स बनाने की हिकमत अमली तैयार की गई थी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की लिबरल काबीना एक हालिया रिपोर्ट के मुसन्नफीन से बातचीत करेगी, जिसमें वफाकी हुकूमत को मजीद रेंटल यूनिट्स बनाने की हिकमत अमली तैयार की गई थी। सिफारिशात को हाउसिंग मिनिस्टर पॉलिसी के इख्तियारात के तौर पर मुस्तरद नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी नई काबीना पार्लियामेंट के मौसम खजा के इजलास से पहले दोबारा इकट्ठे होने और बढ़ती हुई मौशी परेशानियों से निमटने के लिए नए तरीके तलाश करने के लिए शार्लेट टाउन में मीटिंग कर रहे हैं। वफाकी काबीना के इजलास के दूसरे दिन वज़रा बाहर के माहरीन से मुलाकात करते हुए देखेंगे कि रिहाइश की कमी और नौजवान कैनेडियंस को दरपेश मसाइल से कैसे निपटा जाए, जिनके वोटों ने ट्रूडो को 2015 में अपनी पहली हुकूमत बनाने में मदद की। हाउसिंग से मुतालिक इन सेशंस में से एक के दौरान वज़रा एक हालिया रिपोर्ट के दो मुसन्नफीन से सुनेंगे कि वफाकी हुकूमत किस तरह किराए की जायदादों की दस्तियाबी को बढ़ा सकती है। कनाडा के रेंटल हाउसिंग बहरान को ख़त्म करने के लिए एक मल्टी सेक्टर अप्रोच के उन्वान से रिपोर्ट हाउसिंग माहरीन वकालत और सनत के नुमाइंदों के इत्तेहाद ने लिखी थी। इसकी अहम सिफारिशात में से एक वफाकी हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो कायदाना किरदार अदा करे और सूबों, इलाकों और म्यूनसिपलिटियों के साथ हम आहंगी पैदा करे, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किराए के मजीद यूनिट बनाए जाए। ट्रूडो इस माह के शुरू में ये कहने पर तनकीद की जद में आ गए थे कि रिहाइश एक बुनियादी वफाकी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि उन्होंने इस बयान की पैरवी करते हुए कहा कि हाउसिंग एक ऐसी चीज है जिसमें वफाकी हुकूमत मदद कर सकती है और इसमें ज़रूर मदद कर सकती है। वज़ीर आज़म पर हाउसिंग वकला, पंडितों और कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने इस मामले की शिद्दत को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समंदरी तूफान हैलरी ने तबाही मचा दी। तूफान हैलरी के जेर असर कैलिफोर्निया, मैक्सिको में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जुनूबी कैलिफोर्निया में बारिश के कम अज़ कम 9 रिकॉर्ड टूटे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समंदरी तूफान हैलरी ने तबाही मचा दी। तूफान हैलरी के जेर असर कैलिफोर्निया, मैक्सिको में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जुनूबी कैलिफोर्निया में बारिश के कम अज़ कम 9 रिकॉर्ड टूटे। लॉस एंजलिस में 1.53 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। तूफान हैलरी लॉस एंजलिस से तकरीबन 10 मील जुनूब मशरिक में है। तूफान के जेर असर कैलिफोर्निया, नेवाडा में 10 इंच तक शदीद बारिश का इम्कान है। लॉस एंजलिस में भी सैलाब का इंतबाह जारी करते हुए शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। कैलिफोर्निया गवर्नर ने 12 काउंटीज में एमरजेंसी हालत नाफिज कर दी। ख्याल रहे कि तूफान हैलरी गुज़िश्ता रोज़ मैक्सिकन साहिल से टकराया था। तूफान हैलरी के सबब गुज़िश्ता रोज़ अमरीका आने जाने वाली 1,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई थी। दूसरी जानब अमरीका के सदर जो बाइडन ने आग से तबाह होने वाले जजीरे माउवी का दौरा किया और मुतासर शहरियों से मुलाकातें की। हवाई के जजीरे माउवी के जंगल में लगने वाली आग ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान तबाही मचा दी है। आग की जद में आकर अब तक 110 से ज़ायद अफराद हलाक और 1,000 के करीब शहरी लापता हो चुके हैं। अमरीका में गुज़िश्ता 1 सदी में आग से होने वाली यह सबसे बड़ी तबाही है। माउवी और कस्बे लाहिना में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर जो बाइडन तबाहशुदा कस्बे लाहिना का भी दौरा करेंगे। सदारती इलेक्शन में अमरीकी रियासत जॉर्जिया के इंतखाबी नतायज पलटने के मुकदमे में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप जुमेरात को खुद को जेल हुकाम के सुपुर्द करेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जॉर्जिया में इंतखाबी नतायज पलटने का मुकदमा, ट्रंप कल खुद को जेल हुकाम के सुपुर्द कर देंगे। सदारती इलेक्शन में अमरीकी रियासत जॉर्जिया के इंतखाबी नतायज पलटने के मुकदमे में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप जुमेरात को खुद को जेल हुकाम के सुपुर्द करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदारती इलेक्शन के इंतखाबी नतायज पलटने के मुकदमे में अदालत ने पहली पेशी से पहले
साबिक सदर और 18 शरीक मुलजिमान ने खुद को तहवील में देना है। इसी हवाले से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने बयान में कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन मदाखलत केस में साबिक सदर ट्रंप की $2,00,000 में जमानत होगी, जिस पर एटलांटा में इल्जाम आयद होने पर अमरीका के साबिक सदर को नकद रकम जमा कराना होगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 3 मजीद मुकदमात का भी सामना है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।